नमस्कार दोस्तों, अभी भी की सबसे बड़ी खबर। बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक तूफान, कई राज्यों में अगले 2 घंटों के भीतर भयानक तबाही मचेगी। देश भर में इस समय मानसून सक्रिय है। इसी के साथ दोस्तों बंगाल की खाड़ी से तूफान उठ रहा है, जिसके तहत अलग अलग राज्यों में जमकर बारिश होगी। मानसून सक्रिय होने के साथ अलग अलग राज्यों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। कहीं पर बाढ़ आई हुई है तो कहीं पर दोस्तों बादल फट रहा है, कहीं पर दोस्तों भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर भूकंप आ रहा है। और अब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विंध्य, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और गुजरात के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। कोंकण और गोवा में भारी से अत्यंत भारी बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा के कुछ हिस्सों में यहां पर अति भारी बारिश के साथ 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर जबरदस्त भूस्खलन भी हो सकता है। वहीं दोस्तों IMD ने कहा कि दोस्तों चक्रवाती तूफान का असर मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। यहां पर अगले 2 घंटे के बाद भारी बारिश, आंधी, तूफान हो सकता है और लगातार दोस्तों यहां पर भूस्खलन की घटना भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है कि मणिपुर के अंदर बहुत ही भयानक भूस्खलन हुआ, जिसमें एक आर्मी का कैंप समा गया, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे गए हैं और कई लोगों को बचा भी लिया गया था। कर्नाटक के अंदर भी देर रात भूस्खलन हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बादल फटने की वजह से दोस्तों भारी नुकसान की खबर है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटा है और अब दोस्तों उत्तराखंड के लगभग 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश, आंधी, तूफान, बाढ़, बर्बादी और भयंकर भूस्खलन देखने को मिल रहा है। और अब दोस्तों चक्रवाती हवाओं की वजह से भारी बारिश होने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश, आंधी, तूफान के चलते आप बाहर ना निकले, ऊंचाई वाले स्थान पर ना जाएं, नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि इस समय नदी नाले भर भर कर चल रहे हैं। और आपके क्षेत्र का वर्तमान मौसम कैसा है कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मौसम की प्रत्येक जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।